हेलो फ्रेंड, मंजू फूड एंड क्रिएटिव आइडियाज़ में आपका स्वागत है। आज मैं घर पर कैसे इजी तरीके से कॉटन से बत्ती बनाई जाती है उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए आज हम कॉटन की बत्ती बनाना बड़े आसान तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा कॉटन लेंगे, कॉटन को इस तरह से निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम हाथ पे थोड़ा सा दूध लगाएंगे। दूध लगाने के बाद हमें कॉटन को इस तरह से ट्विस्ट करना है, इस तरह से घुमाना है आपने। घुमाने के बाद एक तो दो बार घुमाओगे तो आपके कॉटन की बत्ती बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप हाथ पे थोड़ा सा तेल यानी मस्टर्ड ऑयल और घी भी लगा सकते हो, पानी भी लगा सकते हो, बस हाथ थोड़ा सा चलना चाहिए। अगर हाथ पे आप कुछ नहीं लगाओगे तो वो मतलब चलेगा नहीं। तो आप दूध का ये फ़ायदा है कि दूध जब बत्ती बनाने के बाद जब दूध सूख जाता है तो वो बत्ती बिल्कुल कड़ी हो जाती है, इसलिए दूध ज़्यादा दूध से ज़्यादा अच्छी बत्ती बनती है। तो आप भी किसी भी तरह से बत्ती बना सकते हो, और आप फूल बत्ती भी बनाने का बहुत आसान तरीका है। थोड़ी सी कॉटन लो और उसमें थोड़ा सा ऐसे घुमाना है अंगूठे और उंगली से, और नीचे की साइड ऐसे जैसे जो नीचे की साइड है उसको बाहर निकाल देना है। तो इस तरह से फूल बत्ती तैयार हो जाएगी। ये दिया वगैरह में लगा सकते हो। और जो लंबी बत्ती मैंने बताई है, अब दीपावली आ रही है तो दीपावली में आप बड़े आसान तरीके घर से घर पर ही आप बत्ती बना सकते हो, तो आपकी बत्ती वो काफ़ी देर तक चलती रहेगी।